नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल कांग्रेस इस समय संकट के दौर से गुजर रहा है, ये किससे छुपा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने और कई वरिष्ठ नेताओं के पार्टी छोड़ देने के बाद फिलहाल नेतृत्व को लेकर खड़े हो रहे सवालों पर रोक लग गई है। और भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से राहुल गांधी एक्टिव नजर आए हैं और आज इसका जो समापन हो रहा है और किस तरह से बर्फबारी के समय भी राहुल गांधी टस से मस नहीं हो रहे हैं, उसे कहा जा सकता है कि फिलहाल तो सवालों पर रोक है, लेकिन ये कब तक रहेगी ये कहा नहीं जा सकता। इसके बावजूद कांग्रेस अपने नेताओं को अपने साथ बनाए रखने में कामयाब नहीं हो पा रही। बीते कुछ समय में लगातार कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर अन्य दलों में जा चुके हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के वोट शेयर में अप्रत्याशित बढ़त दर्ज की गई है। वहीं इस दौरान कांग्रेस ने अपना वोट शेयर करीब 20% बनाए रखते हुए खुद को अन्य सियासी दलों के मुकाबले अभी भी ताकतवर बनाए रखा है। इसके बावजूद पार्टी का राज्यों में चुनावी प्रदर्शन लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कमजोर नजर आता है। तो आइए जानते हैं लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस का सामना किन चुनौतियों से होने वाला है। कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की संख्या का आंकड़ा 6 करोड़ है। लोकसभा में कांग्रेस के महज 52 सांसद हैं, राज्यसभा में भी यही हाल है। देश भर में कांग्रेस के 649 विधायक हैं। इसे चौंकाने वाला आंकड़ा ही कहा जाएगा। 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में कांग्रेस का एक भी सांसद नहीं है। वहीं 11 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में पार्टी का महज 1-1 सांसद है। राज्यों में विधायकों के आंकड़े की बात करें तो 6 प्रदेशों में कांग्रेस का ही कोई विधायक नहीं है। वहीं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के महज 2 विधायक हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में निकली भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो चुका है। अगर कुछ सर्वे की हम बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सामने आए आंकड़ों के मिशन में 2024 की तैयारी के लिए नाकाम मानी जा रही है। वैसे लोकसभा चुनाव 2024 में पहले कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो चुकी हैं। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर ब्रांड नरेंद्र मोदी से मुकाबला करना है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के बावजूद राहुल गांधी के नाम पर कई विपक्षी दल अभी भी कांग्रेस के साथ जुड़ने से कतरा रही है। वहीं 2023 में होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होंगे। इस साल त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें से त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, कर्नाटक, तेलंगाना राज्य में कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी के साथ ही स्थानीय दलों से भी होने वाला है। वह राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ही कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से है। तो ऐसे में कांग्रेस की राह 2024 के लिए उतनी आसान नहीं है। एयर इंडिया के फ्लाइट में एक महिला यात्री पर पेशाब करने के मामले की जांच अब भले ही बंद हो गई हो, लेकिन इसे लेकर एयर इंडिया लगातार एक्शन में है। अब एयर इंडिया ने बड़ा कदम उठाया है। एयरलाइन अब सॉफ्टवेयर के जरिए सभी गतिविधियों पर नजर बना के रखेगी। कोई भी इस तरह की घटना अगर फ्लाइट में होती है तो क्रू और पायलट सॉफ्टवेयर के जरिए सब कुछ अपलोड करेंगे। यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि एयर इंडिया के सभी छोटे बड़े अधिकारियों को हर मामले की जानकारी हो। कुछ ही दिनों में एयर इंडिया अपने क्रू और पायलट को आईपैड देगी। 1 मई से इसमें सारी चीजें अपलोड की जाएंगी। दरअसल इससे पहले सारी घटना पेपर में लिखकर होती थी। ऐसे में एक्शन लिए जाने में समय लग जाता था और सभी को जानकारी नहीं मिल पाती थी। हाल ही में पेरिस से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में पेशाब कांड को लेकर काफी विवाद खड़ा हो गया था। एयरपोर्ट सिक्योरिटी को बताया गया था कि आरोपी पुरुष नशे में था और कैबिन क्रू के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा था। उसने नशे में महिला पैसेंजर के कंबल पर पेशाब कर दिया। इसके बाद आरोपी शख्स को दिल्ली में सीआरपीएफ ने पकड़ लिया, लेकिन दोनों पैसेंजरों में समझौता होने के बाद आरोपी यात्री को छोड़ दिया गया। सत्ताधारी जदयू में मचे सियासी घमासान के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि मरते दम तक बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे मर जाना कबूल है, लेकिन बीजेपी के साथ जाना नहीं। नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग अटल जी को मानने वाले लोग हैं। उन्होंने दावा किया कि हमने बीजेपी को छोड़ दिया था, लेकिन वे जबरदस्ती पीछे पड़कर साथ आए। 2020 में हम तो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे, लेकिन इन्होंने जो किया सबने देखा। हम लोगों ने इन्हें कितनी इज्जत दी। नीतीश कुमार ने कहा कि चुनाव तो होने दीजिए, इस बार सबको पता चल जाएगा कि कितनी किसकी सीटें आती हैं। नीतीश कुमार का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब उनकी पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा लगातार उन पर
निशाना साध रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया कि जदयू के बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। इससे पहले जब उपेंद्र कुशवाहा एम्स में भर्ती हुए थे तब उनकी फोटो भी कुछ बीजेपी नेताओं के साथ सामने आई थी। इसके बाद कुशवाहा के बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जाने लगे। हालांकि कुशवाहा ने कहा कि वो जदयू को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। इससे पहले बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि बीजेपी किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार के साथ समझौता नहीं करेगी। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि प्रदेश कार्य समिति में बिहार प्रभारी विनोद तावड़े भी स्पष्ट कर चुके हैं कि नीतीश कुमार किसी भी गठबंधन के लिए अब बोझ बन चुके हैं। नीतीश में वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता खत्म हो चुकी है। 2024 में अगर पीएम मोदी ने बिहार में प्रचार नहीं किया होता तो जेडीयू 15 सीटें नहीं जीत पाती। उन्होंने कहा कि नीतीश के चले जाने से बीजेपी बेहद खुश है। पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम खराब हो गया है। हिमालयी क्षेत्रों में देर रात से जहां बर्फबारी हो रही है तो इन निचले क्षेत्रों में बारिश लगातार जारी है। बारिश और बर्फबारी के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो गया। लगातार हो रही बारिश के कारण ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वहीं निचले क्षेत्रों में सीजन की पहली बारिश हो रही है। इस बारिश को खेती के लिए शुभ माना जा रहा है। केदारनाथ धाम से लेकर अन्य हिमालयी क्षेत्रों में देर रात से बर्फबारी जारी है तो वहीं निचले क्षेत्रों में बारिश हो रही है। बारिश और बर्फबारी के चलते मौसम बहुत ठंडा है। केदारनाथ धाम में 6 फीट तक बर्फ जम चुकी है। धाम में पहले से ही 5 फीट तक बर्फ जमी हुई थी। धाम में बर्फबारी के चलते पहले ही पुनर्निर्माण कार्य बंद हो चुके हैं। केदारपुरी की सुरक्षा में आईटीबीपी के जवान मुस्तैदी के साथ जुटे हैं। इसके अलावा कुछ साधु संत भी धाम में रहकर बाबा की तपस्या कर रहे हैं। इसमें ललित महाराज आपदा के बाद से केदारपुरी में शीतकाल में भी रहकर बाबा की पूजा अर्चना करते हैं। ये हर दिन मंदिर प्रांगण में जाकर बाबा की तपस्या करते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी जारी है। चलिए अब आगे बढ़ते रुक करेंगे कुछ और खबरों का। यूपी के फतेहपुर में पत्नी के चरित्र पर शंका करते हुए अपने 3 साल के मासूम बेटे को खेत में ले जाकर उसको मौत के घाट उतार देने वाला पिता जो कि पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन जो माँ है मासूम की वो लगातार मांग कर रही है कि उसके पति को फांसी होनी चाहिए। जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के चित्सापुर मशरे सुहाई बाग में पिता के द्वारा अपने ही 3 साल के मासूम बच्चे की हत्या करके वहां पर उसको गाड़ दिया गया खेत में ले जाकर, जिसके बाद न्यूज़वर्ल्ड इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। जब छानबीन की गई तो फिर आरोपी जो पिता है उसका पता चल गया। फिलहाल उसकी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन जो पत्नी है वो लगातार मांग कर रही है कि उसके बेटे के हत्यारे को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हमीरपुर में मासूम की दर्दनाक मौत का एक वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। तेज रफ्तार डंपर ट्रक ने मासूम को रौंद दिया जिससे उसकी मौत हो गई। खेलते खेलते मासूम रोड के किनारे आ गई थी। स्थानीय लोगों ने नेशनल हाईवे 34 में बवाल काटा है। पुलिस ने ट्रक और चालक को पीछा कर हिरासत में लिया। मौधा कोतवाली क्षेत्र के नराइच गाँव के नेशनल हाईवे 34 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इटावा पहुंचे पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है और कहा कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। स्वामी प्रसाद के शुद्ध वाले बयान पर पलटवार करते हुए जितिन प्रसाद ने कहा कि अखिलेश का चुनावी हथकंडा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सभी लोगों का सम्मान और समायोजन है, इसलिए जनता का आशीर्वाद पार्टी को मिल रहा है। महाराजगंज में एमएलसी चुनाव के मद्देनजर एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा शराब के ठेके को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं, वहीं महाराजगंज के भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में आबादी वाले इलाके में धरने से लोगों को मदिरा परोसी जा रही है। मामला नौतवा कस्बे का है जहां कई घर में अवैध रूप से भारी मात्रा में शराब स्टोर करके लोगों को महंगे दामों पर बेची जा रही है। ऐसे में जिस जगह से नौतवा जैसे कस्बे में धरने से शराब परोसी जा रही है, इससे कहीं ना कहीं पुलिस और आबकारी विभाग की कार्य प्रणाली पर भी सवाल या निशान खड़े होते हुए नजर आते हैं।
वहीं कासगंज में सुबह दर्दनाक हादसा हुआ है। पिंचर खड़े ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली में तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एक की मौत हो गई है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें नजदीकी अस्पताल से अलीगढ़ रेफर किया गया। आपको बता दें कि हादसे की घटना जनपद के सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र के कादरगंज गंगा पुल पर घटित हुई है। बताया जा रहा है कि ईंटों से भरा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली पंचर था, जिसकी वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली बीच पुल पर खड़ी हो गई। चालक जो था वो कहीं ना कहीं टायर बदल रहा था, तभी पीछे से तेज गति से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। वहीं जिस तरह से ट्रक फंसा हुआ था तो यातायात में भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, घंटों तक यहां पर जाम लगा रहा। चलिए हरदोई का रुख करेंगे, जहां पर विरोध का एक अनूठा तरीका देखने को मिला था, जिसे देखकर सभी दंग रह गए थे। हरदोई जिला अस्पताल के पास टहल रहे घोड़े की पीठ पर मैं हूं जिला पंचायत राज अधिकारी हरदोई लिखा हुआ था। वहीं स्लोगन लगा पोस्टर देखकर मौके पर लोगों का जमावड़ा जुटने लगा। इस दौरान लोगों के द्वारा तरह तरह की बातें की गई। हालांकि जिस तरह की स्लोगन लिखे हुए थे, तख्ती थी, वो किसके द्वारा लगाई गई थी, कौन छोड़कर चला गया था, ये बात सामने नहीं आई है। मौके पर मौजूदा कुछ लोगों का कहना था कि शायद कोई जिला पंचायत राज अधिकारी किसी काम से नाखुश होगा, इसलिए ही जिला पंचायत राज अधिकारी का विरोध करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करने के लिए ये तरीका अपनाया गया। फिलहाल ये जो पोस्टर है वो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली, वैसे ही पुलिस ने ये पोस्टर हटाया और पूरे मामले की जांच शुरू की गई। वहीं अब शहर कोतवाली में FIR भी दर्ज कर ली गई है। इस पूरे मामले में CEO विनोद द्विवेदी का कहना है कि अभी 3-4 दिन पहले एक अवैध टिप्पणी को लेकर किसी ने एक पोस्ट जो है इस तरह से डाला है, फिलहाल इसकी जाँच हो रही है, जो भी हो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्नाव में बड़ा हादसा हुआ है। लखनऊ कानपुर हाईवे पर 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई। वहीं गाड़ियों में सवार एक दर्जन यात्री घायल हो गए हैं। मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने के लिए मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला। पहले मुरंग लदे डंपर से बस में टक्कर मारी, उसके बाद कंटेनर डंपर और DCM की भिड़ंत हो गई। इसके बाद एक वाहन पीछे से आके टकरा गया। घने कोहरे की वजह से भिड़ंत बताई जा रही है। सभी घायलों को इलाज के लिए CSC में भेजा गया है। सोहरामऊ थाना क्षेत्र के बजेरा मोड़ के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। तो नाव का ये पूरा मामला है, जहां पर लखनऊ कानपुर हाईवे पर 5 वाहन आपस में टकरा गए हैं। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरदोई में भाजपा नेता नरेश अग्रवाल के बयान पर सपा का ट्वीट वॉर देखने के लिए मिला है। सपा मीडिया सेल ने लिखा कि वो बेटे के आबकारी विभाग से मिल रही अंग्रेजी माल के नशे में है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में नरेश अग्रवाल ने रामचरितमानस को लेकर पूछे गए सवाल पर अखिलेश पर हमला किया था। नरेश ने कहा था कि अखिलेश जी को ये सोचना चाहिए शांत का मतलब हाँ होता है। अगर अखिलेश जी रामचरितमानस और भगवान राम के विरोध में हैं तो उनको पूरी तरह से कह देना चाहिए कि हम अल्लाह को मानते हैं, राम को नहीं मानते। गोरखपुर फैजाबाद खानसा चुनाव के लिए मतदान 30 जनवरी को 8 बजे से 4 बजे तक संपन्न हो रहा है। 17 जिलों के 24,000 से ज्यादा मतदाता जो हैं वो 24 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। गोरखपुर की बात करें तो 56 पोलिंग स्टेशन पर 40,000 मतदाता प्रत्याशियों का भविष्य तय करने वाले हैं, जिसको लेकर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य क्षेत्र में बने स्ट्रांग रूम में पोलिंग पार्टियां अपने आवश्यक सामग्री लेकर रवाना हुई है। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। पीलीभीत में बरेली मुरादाबाद स्नातक सीट के चुनाव के लिए पीलीभीत के कलेक्टर परिसर में पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। इसके लिए निर्वाचन कार्यालय ने तैयारियों को लेकर पहले ही पूरा कर लिया था। जिले भर में 13 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां पर 30 जनवरी को यानी कि आज वोट डाले जा रहे हैं।
एडीएम राम सिंह गौतम ने बताया कि 3 जोनल मजिस्ट्रेट की निगरानी में स्नातक सीट के चुनाव के लिए जनपद भर में 13 पोलिंग बूथ और 8 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। जनपद पीलीभीत में करीब 8,955 मतदाता पंजीकृत हैं, जो कि आज सुबह से ही वोट डाल रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।